जय माता दी। दोस्तों, मैं आज देवी माँ का सबसे सर्वशक्तिशाली अथर्व शीर्ष का पाठ बताने जा रही हूँ, जिसको कर लेने मात्र से कितने भी पापी मनुष्य हो वो पाप से मुक्त हो जाता है। और देवी माँ का वो सर्वशक्ति अथर्व शीर्ष पाठ कर लेने मात्र से मनुष्य का जन्म जन्म का पाप धुल जाता है और वो पुण्य आत्मा बन जाता है। और माता रानी का हमेशा उन्हें आशीर्वाद बना रहता है। तो देवी अथर्व शीर्ष का पाठ हमें दिन में 9 दिन के नवरात्र में दिन में एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए। तो इस तरह से है, मैं पाठ करने जा रही हूँ, आप लोग भी सुनिए और करने का कोशिश कीजिए। जय माता दी। माता रानी सबका मनोकामना पूरी करें और सबको शक्ति भक्ति दें। ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थो काशी त्वं महादेवीति सावरवित अहम् ब्रह्मस्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मक जगत शून्यम चाशून्यम च। मैं हिंदी में बताने जा रही हूँ क्योंकि हिंदी सरल भाषा, अपने भाषा में सबको समझ में आएगा। तो ओम सभी देवता सभी देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ, मैं सोम त्वष्टा पूषा और भग को धारण करती हूँ, त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पाद छेप करने वाले विष्णु ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ, देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवीर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ, मैं संपूर्ण जगत को ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञार्हों में मुख्य हूँ, मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ, मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है, जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ कराता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है, बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्ती को सदा नमस्कार है, गुण साम्या वस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है, नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन अग्नि के सेवन वाली ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं, असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं, वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए, काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति स्कंद माता शिव शक्ति सरस्वती देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं, हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं, वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए, काम योनि ए
कमला ई वज्रपाणी इंद्र ल गुहा ह्रीम ह सवर्ण मात ऋष्वा वायु क अवरह इंद्र ल पुनः गुहा ह्रीम सकल वर्ण और माया ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और वह विद्या रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समरसी भूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थार्थ भावार्थ वाच्यार्थ संप्रदायार्थ लौकिकार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशीकारणव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वे देव हैं, वही ये जात उधान एक प्रकार के राक्षस असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम हैं, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतरहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। बियत आकाश तथा ईकार से युक्त विति होत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरति सयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसी भूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐ माया ह्रीं ब्रह्मसु काम क्लिंग इसके आगे 6 व्यंजन अर्थात च वही वक्त्र अर्थात आकाश युक्त चा सूर्य म अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुँ टकार से तीसरा ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा वायु य वही अधर अर्थात ऐ से युक्त ऐ और विच्चे यह नवान मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो।
हृत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पास और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसीलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसीलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसीलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसीलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र हैं इसीलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई हैं इसीलिए जिसे नयका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया अनंता अलक्ष्या अजा एका और नयका कहाती हैं। सब मंत्रों में मातृ का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुष्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश कराता है। प्रातःकाल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश कराता है। बोलिए माता रानी की जय, अम्बे मातु की जय। तो मेरे भक्तजनों, मेरे भाई बहनों, अगर आप लोग दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं पूरा कर सकते हैं तो ये जैसे कुछ पाठ आप लोग करके भी पूर्ण कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सप्तश्लोकी पाठ कर लीजिए, ये अथर्व शीर्ष का पाठ कर लीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ कर लीजिए, इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वर प्राप्त कराती हैं। तो जय माता दी, राधे राधे दोस्तों।